हे हेलो वेलकम, क्या हाल है आप सबके? सब बढ़िया मजे में? सॉरी फॉर लेट अपडेट। फैमिली में हो गई थी कुछ हेल्थ इशू प्रॉब्लम, जाना पड़ा मुझे आउट ऑफ स्टेशन। 3 महीने से, लगभग 2-3 महीने से मैं बाहर ही था। वीडियो लेट अपडेट किया तो इसलिए माफ कर देना। आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। तो ये वीडियो में मैं लाया हूँ कि किस तरह से जब मैक्सिमम यूजर सुबह में कनेक्टेड रहते हैं किसी नेटवर्क से, यूज करते रहते हैं ऑनलाइन डेटा, तो उस डेटा में से आप अपनी स्पीड चुरा कर कैसे बढ़ानी है, इसके लिए मैं लेके आया हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ एपीएन का कॉम्बो। तो प्लीज करके आप इस वीडियो को जरूर देखना, अंत तक देखना। मेरे वीडियो के साथ ही साथ अपने आप एपीएन सेटिंग चेंज करते रहना। अगर आपकी स्पीड बढ़ गई ना कतई जबरदस्त एकदम धांसू टाइप से, तो कर देना मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दबा देना बेल आइकन और कर देना इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, ताकि मिल जाए उन्हें भी स्पीड जबरदस्त कतई एकदम, और मिलकर करें आप लोग वीडियो कॉलिंग, डाउनलोडिंग, एनीथिंग कतई जबरदस्त टाइप से। तो आइए करते हैं इस वीडियो का श्री गणेश, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए मेरे दो अनमोल रतन, एक है जियो राम, दूसरा एयरटेल लखन। वाईफाई है मेरी बंद और करते हैं वीडियो का बखन। एक्सेस पॉइंट नेम की सेटिंग्स में आप लोग को जाना है, पहले सेटिंग्स, देन नेटवर्क एंड इंटरनेट, उसके बाद मोबाइल नेटवर्क, देन एक्सेस एडवांस, देन एक्सेस पॉइंट नेम, देन एपीएन। अब एपीएन में क्या करना है, आपको प्लस पे ऐड कर क्लिक करना है। नेम पे आपने लिखना है जियो 5G। ओके, एपीएन में आप आइए, टच कीजिए। एपीएन में आपको लिखना है जियो 5G बीटा। जियो का जे कैपिटल, 5G का जी कैपिटल और बीटा का बी कैपिटल, और कर दीजिए ओके। फिर आपको आना है यूजर नेम पर। यूजर नेम में आपको लिखना है यहाँ पर स्पीड बॉट, स्पीड में एस कैपिटल, बॉट में बी कैपिटल, स्लैश V94, वी स्मॉल होगा। उसके बाद आपको स्लाइड करके ऊपर जाइए और सर्वर में लिखिए www.google.google.com, जिसमें जी कैपिटल होगा। उसके बाद आप सबको आना है ऑथेंटिकेशन टाइप में, जहां आपको सेलेक्ट करना है पैप और चैप। फिर एपीएन टाइप में आप डिफॉल्ट लिखेंगे। डिफॉल्ट टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे बीरर में। बीरर में आपको अनस्पेसिफाइड प्लस LTE सेलेक्ट करना है सिर्फ, और उसके बाद उसे कर दीजिए सेव। सेलेक्ट कर लीजिए उस एपीएन को और उसके बाद मोबाइल रिस्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम रिस्टार्ट से होता है वो मोबाइल फ्लाइट मोड से भी हो जाता है। फ्लाइट मोड ऑन कीजिए, फिर ऑफ कीजिए, उसके बाद चेक करते हैं। अब हम लोग नेट स्पीड, ये आ गई मेरी नेटवर्क। आप लोग को होम पेज में आना है, मेनू बटन में स्लाइड करके जाना है ओकला स्पीड टेस्ट ऐप में। उसके बाद क्लिक करना है आपको गो। ये मैंने गो पे क्लिक कर दिया। चेक करते हैं दोस्तों स्पीड, 14 Mbps, 16 Mbps, 17, 18, 19, कतई जबरदस्त स्पीड एकदम मिल रही है दोस्तों, आप देख सकते हो। अपलोडिंग स्पीड भी कतई बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया जबरदस्त स्पीड है। आप देख सकते हो 11:12 AM हो रहे हैं, कि अगर 11 AM में ये स्पीड है तो 11 PM में क्या स्पीड होगी, आप देख सकते हो। तो गाइस आप डेफिनेटली ये APN ट्राई करना अपने मोबाइल में। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज करके मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तो एयरटेल बाकी है।